तो सुबह सुबह उठ के मेरी बेटी पहले ब्रश करती है, तो ब्रश करने की जगह और हम लोग ऐसे ही खड़े हो जाते हैं इस बालकनी में, तो हम लोगों को अच्छा लगता है ना। तो क्या है ना कि बेटी भी ऐसे ही आदत से बन गई है, कुछ भी करो तो बालकनी में थोड़ा आ जाओ, तो क्या है ना माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाती है, मूड भी थोड़ा फ्रेश हो जाती है। वेल गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज सुबह सुबह जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है मैं मेरी बेटी को यही देती हूँ, क्योंकि ना एक चीज़ ना रेगुलरली अच्छा नहीं लगता है, जैसे कि ना आप डेली दूध ओट्स दे दो तो उसको भी पसंद नहीं आता है, तो मैं ना मिक्स एंड मैच करके थोड़ा थोड़ा करके दे देती हूँ, जो कि ना फ्रूट्स एक मिड नून में चाहिए, जैसे कि ना 10-12 बजे। तो होता है क्या, स्कूल जब जाती है तो ये सब ना स्किप हो जाती है थोड़ा बहुत, तो मैं क्या कि आज सुबह सुबह इसको ये सब दे दी हूँ। ये बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, आप लोग भी ना आपके घर में भी 4-5 ईयर्स की बच्चे लोगों को ना ऐसे ही दे दे दो सुबह ही, क्योंकि ना इसमें प्रोटीन भी रहता है और एनर्जेटिक भी रहती है सुबह सुबह। तो मैं अपने बेटी को तो सब कुछ मिला के देती हूँ। और दूसरे साइड में देखो सुबह का रूटीन, ये जो बोतल वगैरह देख रहे हो मैं इसको उबाल रही हूँ, क्योंकि ना छोटी बेटी को भी सुबह का जो ब्रेकफास्ट वो तो अभी दूध ही पीती है, तो उसको मैं दूध देती हूँ, तो पहले से प्रिपेयर्ड कर रही हूँ, क्योंकि ना वो अभी सो रहा है। आई थिंक ये देखो कि वो सो रहा है, तो ना वो उठ जाएगी, जग जाएगी, जगने का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उठने के बाद ना उसको हो सके तो मैं ना ऑयल मसाज कर देती हूँ, उसके बाद फिर से मैं ना जो ब्रेकफास्ट है वो दे देती हूँ, तो इससे क्या होता है ना बेबी फिर से सो सके, ऐसा उसको स्पेस दे देती हूँ कि तुम पहले फिर से, पेट भरा हुआ रहता है ना तो बेबी लोग फिर सोना ही चाहती है, तो ऐसा कर देती हूँ। और दूसरे साइड में लंच में मैं ना सिंपल तरीके से बना रही हूँ, फिश करी और चावल, और दूसरा कुछ नहीं, क्योंकि ना मैं भी थोड़ा डाइट मेंटेन करती हूँ, तो मैं ज़्यादा कुछ ऑयली या स्पाइसी वगैरह नहीं लेती हूँ। वेल दोनों बच्चों को सुला दी हूँ, और ये दोपहर का टाइम है, मैं ना सब जो मेरा कपड़ा है, सबसे बोरिंग काम मुझे लगता है कि वो जो कपड़ा फोल्ड करना होता है ना, वो चीज़ मुझे एकदम अच्छा नहीं लगता, तो मैं ना पहले अलग अलग कर रही हूँ, छोटी बेटी का अलग, बड़े बेटी का अलग, हस्बैंड की अलग, मेरी अलग, सब अलग अलग करने के बाद मैं ना सबको एक साथ फोल्ड करूँगी। वेल ये शाम की टाइम है, देखो अभी तक लिटिल सो रहा है, और हस्बैंड लेके आई है समोसा वगैरह, क्योंकि ना आज थोड़ा मन हो रही थी, तो हस्बैंड ये सब लेके आई है, तो मैंने सोचा चलो आज इवनिंग स्नैक्स बहुत अच्छा होगा, तो उसके साथ ना मैं चाय भी बनाई थी, क्योंकि ना रेगुलर में बेसिस में मुझे ना चाय की थोड़ा आदत बन गई है। वेल यहाँ का जो भजिया बोलते हैं सबको, सब चीज़ को ना भजिया, जैसे कि ना सिंगाड़ा हो गया, दाल की पकोड़ा हो गया, फिर प्याज की पकोड़ा हो गया, तो बंगाली में ये सब अलग अलग नाम है, पियाजी, बोड़ा, सिंगाड़ा ऐसे बोलते हैं। और जलेबी मेरी फेवरेट है, इधर का जलेबी, वेस्ट बंगाल का ना ऐसे कड़कदार नहीं बनाते हैं, रस में भरा हुआ बनाते हैं, और इधर का ना थोड़ा कड़कदार होती है, तो मुझे बहुत पसंद आता है। देखो तो वेल मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, तो मैं पूछ रही हूँ ये सब करने के बाद मैं ना आप लोगों के मीठा साथ दिखाऊंगी। बहुत पहले मैं वीडियो बनाई थी, उसका जो ठीक है, मेरे से साइंस बोलना वीडियो भाई, है ठीक है। पार्ट पार्ट, तो शेयर नहीं कर पाई थी, तो यही था उस दिन मैं जो ग्रॉसरी शॉपिंग की थी ना जितनी सारी, तो ये सब था, तो मैं शेयर नहीं कर पाई थी कि लिटिल का ना अचानक तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोग पिछले ब्लॉग में देखे थे, तो जिसकी वजह से ना कोई वीडियो ना मैं आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं कर पाई हूँ, तो सॉरी फॉर दैट, पर क्या करे, मन भी होता है पर नहीं भी कर पाती हूँ, ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। वेल देखो यहाँ पे भिंडी वगैरह, फिर टोमेटो वगैरह सब कुछ, थोड़ा थोड़ा मैं ना सब्जी फ्रूट ये सब भी लेके आई हूँ, क्योंकि ना रिलायंस का जो ग्रॉसरी मॉल है ना, तो उसमें सब कुछ मिलता है, क्योंकि ना बाज़ार जाने का ना हर वक्त टाइम नहीं मिलता है। तो उसके बाद ना मैं शाम के टाइम पढ़ाने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि इसको पढ़ाना ना मेरे ऊपर ना अब बस की बात नहीं हो पा रही है, क्योंकि ना बस की बात नहीं, मतलब पढ़ा सकती हूँ पर मैं दिन भर जो काम वगैरह करती हूँ या छोटी बेटी के पीछे इतना एफोर्ट दे देती हूँ ना, तो मुझे ना और मन नहीं करता, मैं टायर्ड फील करती हूँ शाम के टाइम, दिन भर दौड़ा भागी में मैं काम करती हूँ, और शाम के टाइम फिर इसको अलग से पढ़ाने के लिए बैठाने के लिए एनर्जी तो रहता है पर पेशेंस नहीं रहता है, क्योंकि ना उसको पेशेंस नहीं रहे ना तो क्या होता है ना, मार खा जाती है कि 2-3 बार बोली अभी नहीं सुन रही है बच्चे लोग, तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रही हूँ, पर क्या है ना डेली बेसिस में बैठ भी नहीं पा रही हूँ, तो फिर मैं कुछ दूसरा ही टेक्निक सोची हूँ कि उसको इस तरह से पढ़ाऊँगी,
करके, फिर फ़िलहाल तो ना जो विंटर वैकेशन चल रहा है मैं उसका उसको तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि ना 2 दिन बाद से इसका स्कूल जो है ना वो खुल जाएगी। तो इसी चक्कर में इसका कुछ भी नहीं हुआ, बीच में हम लोग शादी में गए थे, इसी चक्कर में पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई थी। वेल, अभी धीरे धीरे करके मैं ना पढ़ा रही हूँ। मेरी बेटी अभी नर्सरी में पढ़ता है तो उस हिसाब से सब कुछ है। तो ये देखो किस तरह से गलत कर रही है, फ्रूट करते करते फिर ना वेजिटेबल में आ चुकी है। वेल, ये सब ठीक कराते कराते फिर जो अल्फ़ाबेट्स वगैरह है, नंबर्स, ये सब भी कराना पड़ता है। वेल, चलो मैं पढ़ाती हूँ, आज का वीडियो मैं यही तक करके एंड करती हूँ। आशा करिए आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट। Very good. चलो चलो, हो गया, चेंज करो।